हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रितिका, आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल का हलवा। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा होता है, बहुत ही कम सामान में बनकर रेडी होता है ये हलवा। और चने की दाल बहुत इजीली मिल भी जाती है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के घर में ये हमेशा अवेलेबल होती है चने की दाल। तो चलिए बनाते हैं इस यम्मी हलवे को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम ले लेंगे चने की दाल और इसे अच्छे से वॉश करके हम भिगो देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि चने की दाल बहुत जल्दी फूल जाती है फ्रेंड्स। तो 2-3 घंटे में अच्छे से ये फूल जाती है। तो इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया है और इसे हम बॉयल करेंगे। तो ये कुकर में डाल दी है मैंने चने की दाल भीगी हुई, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 गिलास दूध। तो ये देखिए, 1 गिलास मैंने मिल्क डाल दिया है इसमें, और ढक्कन लगाकर हम इसमें सीटी लगाएंगे, 2 से 3 सीटी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीटी लग चुकी है हमारी, और 3 सीटी मैंने लगाई है। ठंडा होने पर फ्रेंड्स इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पेस्ट हमें बनाना है, और उसके बाद हम इसे भूनेंगे। तो ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, और अपने पेस्ट को डालकर हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट डाल दिया है और इसे हम अब भून लेंगे। तो फ्लेम को पहले हाई रखना है फ्रेंड्स, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार भूनते रहेंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हमें अपने पेस्ट को भून लेना है। जितने अच्छे से भुना रहेगा फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा टेस्टी हलवा बनेगा। तो भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में जो नीचे लगता जाएगा उसको हम निकालते जाएंगे, उसकी पपड़ी को इस तरह से बराबर हमें चलाते रहना है। नीचे की जो पपड़ी जमेगी उसको हम निकाल लेंगे, उसी के साथ मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक ये सूख गया है, अभी हमें इसे और भूनना है। जब तक ये बिल्कुल खिले खिले से नहीं हो जाएंगे, तब तक इसकी भुनाई करनी है फ्रेंड्स हमें। तो ये देखिए, इस तरह से ये काफ़ी अलग होने लगा है। थोड़ी देर इसे हम और भूनेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं ये, कि बिल्कुल खिले खिले से। तो बिल्कुल हलवा बनाने के लिए रेडी है ये। और इधर मैंने 2 चम्मच दूध लिया है, इसमें 1 चुटकी फूड कलर डाला है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट कलर बहुत अच्छा आता है। कभी कभी अगर बनाना हो तो आप डाल सकते हैं फूड कलर। अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये जो चना दाल हमारी भुन चुकी है, इसमें हम डालेंगे चीनी। तो 1 कटोरी मैंने चने की दाल ली थी, और 1 ही कटोरी मैंने ली है चीनी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम मिल्क। तो 1 गिलास मैंने मिल्क पहले डाला था, 1 गिलास मैंने बाद में डाला है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, और फूड कलर भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम पकाएंगे। तो अच्छे से, जब तक सूख न जाए ये, जैसे हलवा होता है उस तरह बन न जाए, तब तक इसे हमें इस तरह पकाना है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने डाल दी है 3 इलायची कूट करके डाली है, और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से हमें रखना है, कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो चुका है ये, और खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस ऑफ कर देंगे, और ये देखिए, यम्मी हलवा बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।